करल जा है कि सुहागवती अथी ब्रह्म बाबा के पूजा है, विष्णु भगवान के पूजा है, सोमारी मसिया, सोमारी अमसिया है, दू चीज रुआ से परहेज रहना है, रुआ पर सुतरना है। कुमारी करने भी करा है? कुमारी भी करा है, कुमारी भी करा है। काहे लगी प्रमाण है, क्या महत्व है इसका? उसका महत्व यही है कि सदा सुहागिन रहे। इस दिन किसकी पूजा होती है? इसमें विष्णु भगवान के होते हैं, ब्रह्म बाबा विष्णु भगवान। हमारे पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, पेड़ के नीचे जड़ी में। क्या नाम है आपका? चमेली देवी। मतबर है कि सुहागन के सोमारी मसिया जरूरी करना है, पीपड़ के पेड़ पर कपड़ा बिछा के करना है सोमारी मसिया, जब लगे जब करना सोमारी मसिया। किसकी पूजा होती है? पूजा जब पति लगी, बाल बच्चा लगी, सुख शांति लगी, तब मैंने पूजा किसकी होती है? पूजा होती ही है बर माता थी, पीपड़ माता के होती है पूजा। तो महिला चक्कर लगाती क्या? हाँ, चक्कर लगाते, 108 बार घूरिए चाहे 8 बार घूरिए चाहे जितना घूर लीजिए। तो उससे मैंने क्या मैंने महत्व क्या होता है? वही महत्व हुआ पीपड़ के घूरना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती देवी। सोमवती अमावस्या को लेकर सुबह से ही बिहार शरीफ के कई इलाकों में पीपल के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाओं का भीड़ देखने को मिला। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की, तो वहीं उन्होंने कहा कि सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर अपने परिवार और पति के लिए मंगल कामना करती है। इस वृक्ष की परिक्रमा करने से अनंत फल मिलता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और शिव वास करते हैं। दरअसल सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने से फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या पर चतुर्ग्रही योग का संयोग बन रहा है। चारों पुरुषार्थ की सरलता से प्राप्ति का कारक माना गया है। इस बार का अमावस्या काफी महत्व और गुणों वाला है।